जेठ की दोपहर में भीषण गर्मी की वजह से तालाब सूख चुके हैं और नल से पानी ही कम आ रहा है। वहीं गंगा जमुना के बीच बसा कौशाम्बी जनपद में नदियां भी सूखने लगी हैं। गर्मी के महीने में जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो गन्ने का जूस, बेल का जूस को पसंद कर रहे हैं। बाजार में भी गर्मी की वजह से सन्नाटा दोपहर में दिखाई दे रहा है। इस भीषण गर्मी की वजह से अनुमान लगाया जा सकता है कि एक दो दिनों में बारिश लगभग होना तय है। इस गर्मी से परेशान हुए टैक्सी ड्राइवर, इस गर्मी की वजह से सवारियां भी रोड पर नहीं निकल रही। टैक्सी ड्राइवरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पंचायत पूरब पश्चिम शरीरा में बसा एक माँ झारखंडी देवी मंदिर में सन्नाटा रहा। जब लोगों से पूछा गया तो लोगों ने बताया भीषण गर्मी में अब बहुत कम लोग मंदिर में पहुँचते हैं। केवल मंदिर में माँ की पूजा करने वाली पुजारी माँ मिली और उससे बातचीत की गई। मंदिर के बारे में भी बताया, मंदिर कब और कैसे निर्माण हुआ, कितने वर्ष पुराना है और मंदिर की क्या खासियत है। तो पुजारी माँ ने बताया, मंदिर में कभी दूर दूर से पुजारी आते हैं, माँ से मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। माँ के दरबार में बना एक कुंड जल हरी भरी जाती है। सबसे बड़ी खास बात उस कुंड की है जिसमें लोग अगर श्रद्धा से उस कुंड में पानी डालते हैं तो भर जाता है, अगर अहम से भरते हैं तो कुंड नहीं भर पाता है। कौशाम्बी सतीश गोयल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ पूरब शरीरा पश्चिम शरीरा के माँ झारखंडी मंदिर में। यहाँ के बहुत पुराने लोग बताते हैं कि झारखंड से आए हुए एक राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। लगभग इस मंदिर को 200 और 300 वर्ष के ऊपर का बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि माँ झारखंडी मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इस दोपहर में और इस भीषण गर्मी में कोई यहाँ पे दिखता नहीं है। यहाँ एक मानता है कि यहाँ पे एक कुंड है, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। इस कुंड में बताते हैं अगर कोई अहम करके इसमें भरना चाहता है तो पानी भर नहीं पाता है, और अगर ये माता का आशीर्वाद लेके पानी भरता है तो भर देता है। ये बहुत बड़ी एक बात है। और माँ झारखंडी की मानता है कि यहाँ के लोग जो बिजनेसमैन हैं यहाँ पे प्रतिदिन सुबह आते हैं और दर्शन करते हैं, उसके बाद अपने दुकान खोलने का काम करते हैं। और ये निर्माण धीरे धीरे लोगों ने सब मिलजुल कर कुछ कुछ चंदा या जैसे भी करके इस निर्माण कराया है। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं आज भी नहीं है। यहाँ पे नल है जो गर्मी के कारण थोड़ा धीरे धीरे पानी देने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आओ, आप बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं गांव के, उनसे हम बात करते हैं। माँ झारखंडी की सेवा जो करती हैं, आज काफ़ी वर्षों से यहाँ पे माँ झारखंडी मंदिर की सेवा और साफ सफाई का काम करती हैं। माता जी बताएं कि झारखंडी मंदिर में पहले में, अब में इस गर्मी में क्या श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं कि वैसे ही आते हैं? नहीं, 12 महीना आते हैं अभी भी उसी तरह।